बड़ौदा में कस्बे में जोहड़ वाले हनुमान जी के मंदिर से विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। अयोध्या उत्सव के उपलक्ष्य में ध्वज यात्रा से पूर्व श्री राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ एवं श्री राम स्तुति की। इसके अलावा कार सेवकों का स्वागत किया गया। इनमें देवाराम शर्मा, हरीश अरोड़ा, महेश सोनी, महेंद्र यादव, गोविंद साय और डॉक्टर सूरज शर्मा शामिल थे। वहीं ध्वज यात्रा का शुभारंभ रूपचंद और सतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने सीताराम, हनुमान जी और राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियों को नमन किया। 21 तारीख को बड़ौदा में नगर पालिका में 1100 ध्वजों की यात्रा निकाली गई। कल 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में मनमोहक झांकियों द्वारा, राम दरबार द्वारा विशेष हनुमान जी के दर्शन करते हुए बड़े रूप वाला हनुमान जी की झांकी सहित 2 से 3 हजार की संख्या में, जिसमें 500 महिलाएं, पुरुष और बच्चों के साथ भव्य झांकी निकाली गई, जो झोड़ वाले हनुमान जी से लेकर रतन कुंज होते हुए, छप्पर कॉलोनी होते हुए, हॉस्पिटल के आगे से, मेन बाजार से और वापस झोड़वाड़े हनुमान जी पे समाप्ति की गई। और इसी के उपलक्ष्य में कल बड़ी स्क्रीन पर झोड़वाड़े हनुमान जी पे और हॉस्पिटल के सामने जो बड़ा मंदिर है उस पे बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, और बीच में बांके बिहारी मंदिर पर छोटी 60 इंची LED की व्यवस्था की गई है, जो कल 11 से 1 बजे तक लाइव प्रसारण चलेगा। उसके लिए भी सभी मंदिरों में विशेष डेकोरेशन और कल सबके लिए लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा बड़े पर्दे पे। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज समस्त बड़ौदा में परिक्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, कस्बे वासियों ने मिलकर झोड़ वाले हनुमान मंदिर से 1100 ध्वज यात्राएं कस्बे में निकालकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, मनमोहक झांकियों के साथ और बैंड बाजे के साथ वापस हनुमान मंदिर झोड़ पर समाप्त की गई। बड़ौदा में हनुमान मंदिर से झांकी निकाली गई है, जिसमें 1100 ध्वज निकाले गए हैं और राम की झांकी, राम दरबार, पूरा दरबार की झांकियां निकाली गई हैं। पूरे बड़ौदा इलाके में, पूरा बड़ौदा क्षेत्र में रतन कुंज होते हुए, पूरे बाजार में होते हुए, वापिस थाने के सामने और पूरे बाजार में, मार्केट में होते हुए निकाली गई है, जो आकर हनुमान जी पर ही समाप्त की गई है।